कंफर्मेशन उसका शायद जहां तक है वो निकलता नजर आएगा, लेकिन जो कनेक्शन वहां पर सारंग ने निकाला था वो एक तरीके से उनके एक क्वालिफिकेशन का भी एक धब्बा था जापान को भी, और अभी अगले टीम एक्सपा के अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह आगे सबको तहस नहस करती हुई। 9 फिनिशेस आ चुके हैं इनके खाते में और साथ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस समय पे, उनको पता पाए। और अब टार्किन स्पार्टन्स का स्क्वाड इनकी तरफ बढ़ेगा, एक आखिरी खिलाड़ी, बट दूसरे छोर पे टीम एक्सपाक बनाम टीम गुजरात टाइगर्स होता हुआ। सारंग अपने सारे रंग दिखा रहे हैं, क्लच गॉड को शट डाउन कर दिया है तुरंत, और स्लोली स्लोली चौकन्ने होके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, शिकार पे निकले हैं। देखिए लगभग 8 से 10 फ्रैग के साथ वो चिकन अगर आता है टीम गुजरात टाइगर्स का, तो मैं कह सकता हूँ सक्सेसफुली ये क्वालिफाई हो सकते हैं। और जी हाँ, 7वां फ्रैग भी यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया। लेकिन टीम एक्सपाक ये वो टीम है जो रास्ते काटा बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफिकेशन टीम एक्सपाक अपना दर्ज करा चुकी है, लेकिन यहाँ से गुजरात टाइगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जलेबी को जितना भी हो सके उनको उठाए तो बेहतर रहेगा, ताकि वो जो मैन पावर का एडवांटेज है वो जिस प्रकार अभी के टीम एक्सपाक के पास है वो उनके पास भी आ जाए। ये ग्रेनेड कुछ रैंडमली थ्रो किए जा रहे हैं, कुछ फ्लैश डैमेज के चलते भी नॉकआउट करने की कोशिश, बट ये यहाँ से स्प्रे गॉड उनका ग्रेनेड वो जाएगा, फायदा उठाता नजर आएगा। एंड लग रहा है गुजरात टाइगर्स ये क्वालिफिकेशन के लिए अब ये जो जंग है वो छिड़ चुकी है यहाँ पर इस वेयर हाउस की तरफ। आखिरी के कुछ क्षण है यहाँ पे गुजरात टाइगर्स के, जलेबी चलिए स्प्रे गॉड को डाउन करते हुए नजर आए हैं। आखिरी के कुछ क्षण, आखिरी की कुछ फाइट्स, क्या टीम एक्सपाक चिकन करेगी या फिर गुजरात टाइगर्स चिकन लेके जाएगी? गॉड्स का रिवाइवल, सारंग भी तैयार है अपने ग्रेनेड के साथ, आगे जाएंगे सारंग, उनको पता है सामने की तरफ रिवाइवल हो रहा है, ही इज गोना गो इन, ही इज गोना गो इन, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम सारंग डिड नॉट मेक इट। शैडो की जरूरत है, और अभी के लिए सारंग के द्वारा कॉल तो दे दिया गया होगा, जलेबी लो एचपी पे है, और ये क्या शैडो, गलत मौली, पीछे से खिलाड़ी आए, गलती हुई, चिकन डिनर हाथ से गया। और Money need a hearing aid.